और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के, जहां गोबर से घरों का अंधेरा दूर होगा। जी हां, बस्तर में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली बनाने वाला प्लांट तैयार किया जा रहा है। ये प्लांट सीएम भूपेश बघेल की सोच को जल्द ही साकार करते हुए दिखाई देगा। इस प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में प्रदेश का पहला गोबर से बिजली उत्पादन करने वाला प्लांट बनकर तैयार हो रहा है। जगदलपुर शहर के डोंगा घाट में इस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में ये प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्लांट के जरिए हर रोज 10 किलोवाट बिजली बनाई जा सकेगी। इससे करीब 50 घरों के साथ साथ निगम का SLRM सेंटर। वहीं इस प्लांट के तैयार होने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। निसंदेह भूपेश सरकार की एक बहुत ही महती योजना है और हमें खुशी इस बात की है कि बस्तर जो है इससे इसकी शुरुआत हो रही है। डोगा घाट में बायोगैस प्लांट जो है वो लग चुका है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी यहाँ से जो है बिजली का उत्पादन होगा। छत्तीसगढ़ का पहला गोबर से बिजली बनने का प्लांट जगदलपुर लग रहा है, यह गौरव की बात है और उम्मीद करते हैं कि इसमें गोबर का सही मूल्य भी किसानों को मिलेगा। विशेष रूप से जो किसान है गोबर का उपयोग केवल खेतों में करते आ रहे हैं और शहरी क्षेत्र में जो गोबर एक तरीके से बेकार चला जाता रहा, इस प्लांट के लगने से जो है गोबर बेच के लोगों को तो फायदा होगा ही होगा, साथ में इससे उत्पादन होने वाली बिजली से जो है दूसरे का घर भी रोशन होगा। ये बहुत अच्छी योजना है। इस प्लांट को छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनवा रही है। 26 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री इस प्लांट का अवलोकन करेंगे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि गोबर के उपयोग से बनने वाली बिजली के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट निकलेगा उससे यहां पर खाद बनाई जाएगी। इसके लिए महिला समूह को इसकी जानकारी देने के साथ इसके तरीके भी बताए जा रहे हैं। अभी हम लोग एक पायलट बेसिस पे कर रहे हैं। हमारा जब वो तैयार हो जाएगा उसके पश्चात में फिर हम आगे जा पाएंगे और देखेंगे इसका रिस्पॉन्स क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। बट निश्चित तौर पर चूंकि ये गोबर से है और ये वैल्यू एडिशन करने का एक बहुत ही कारगर माध्यम है। जो बिजली उत्पन्न होगी लगभग 10 किलोवाट उसमें बिजली उत्पन्न होगी और उसका प्रयोग वहाँ वार्डवासियों को बिजली सप्लाई के लिए किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी योजना है। जो वहाँ से अपशिष्ट निकलेंगे उससे हमको खाद भी प्राप्त होगा, उस खाद को हमारी स्व सहायता समूह की दीदियाँ जो है उसे विक्रय करके अपनी आजीविका में वृद्धि कर पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच से शुरू हुई गोधन न्याय योजना का पूरा देश मुरीद हो चुका है। प्रदेश में गोबर से पहले ही पेंट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रदेश में पहला गोबर से बिजली उत्पादन करने वाला प्लांट बस्तर में जल्द ही तैयार हो जाएगा।